करता हूँ। स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल #BKSingh भारत में। दोस्तों, आज मैं 9 अगस्त 2018 को रेलवे ALP और टेक्नीशियन के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को लोगों के बीच लाने जा रहा हूँ। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या था, गांधी जी की जन्मतिथि, तो गांधी का जन्म होगा 2 अक्टूबर 1869। उसके बाद पूछा गया कुल की जो है वो मेट्रो रेल कोटा है, जो 2010 में बना है। उसके बाद पूछा गया GST शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो GST शुरू करने वाला पहला देश फ्रांस है, जो कि 1954 में वहाँ पे शुरू किया गया था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया, हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो यह पुरस्कार जावेद अख्तर साहब को दिया गया। ये जो पुरस्कार है वो ये लता मंगेशकर के पिताजी के याद में दिया जाता है। किस मुख्यमंत्री के पिता महाराज थे, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के पिताजी वहाँ के महाराज थे। हेलीकॉप्टर की खोज किसने की, तो हेलीकॉप्टर की खोज इगोर सिकोरस्की ने की। व्यास सम्मान पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, तो व्यास सम्मान ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए 2018 में प्राप्त हुआ। ये व्यास सम्मान 27वां था। ओलंपिक 2016 कहाँ आयोजित किया गया, ओलंपिक 2016 रियो में आयोजित किया गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, उड़ीसा किस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित होता है, उड़ीसा किस आपदा के कारण प्रभावित होता है, तो उड़ीसा चक्रवात के कारण प्रभावित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत में लाइफ टाइम उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जो कि 2018 में विनोद खन्ना को दिया गया था। बाबा रामदेव किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है, तो बाबा रामदेव हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर है। नागालैंड के गवर्नर का नाम क्या है, तो नागालैंड के गवर्नर का नाम पद्मनाभ आचार्य स्वामी है। उसके बाद पूछा गया, मध्य प्रदेश हीरे के लिए प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक सोने के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में कोलार में सोने की बहुत बड़ी खान है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, तो भानु प्रताप शर्मा को बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ है, ये वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, यहाँ से डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। गोवा से पुर्तगालियों का कब आज़ाद हुआ, तो गोवा से पुर्तगाल 1964 में आज़ाद हुआ था। पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है, पादप में जाइलम का कार्य होता है जल का वहन करना। स्मार्ट कंपनी वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो वीवो के नए ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को नियुक्त किया गया है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, तो आंसर होगा ऑक्सीजन और हीलियम। विटामिन ई का नाम क्या है, तो विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी 12 का नाम कोवालोमिन है, इसका पूरा नाम साइनोकोवालोमिन है, तो इसका आंसर कोवालोमिन भी हो सकता है। एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की। दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन है ये 9 अगस्त 2018 के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो प्रोटीन का पाचन इलियम में होता है। इंसुलिन की खोज किसने की, इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट ने की थी। मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होता है, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 180 होता है। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, जंतु का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। पौधा जिनमें पत्तियां नहीं होती, तो वे पौधे जो जल में
उगते हैं उसमें पत्तियाँ होती भी है और बहुत में नहीं भी होती। तो इसका ऑप्शन ठीक से नहीं है, इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं दे पा रहा हूँ। तो क्वेश्चन था, पौधे जिनमें पत्ती नहीं होती है उसका नाम क्या है? इसका कुछ भी जैसे जीरोफाइट वगैरह होता है वैसे ही कुछ इसका आंसर होगा। ऑप्शन नहीं रहने के कारण ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं दिया जा रहा है। लैंगिक व अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, एंजाइम कहाँ बनते हैं? तो एंजाइम राइबोसोम में बनते हैं। आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहता है? तो आरबीसी 120 दिन तक जीवित रहता है। त्वरण कम होने पर बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? त्वरण कम होने पर बल घट जाएगा। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? फ्यूज तार टिन और लेड का बना होता है। टॉर्च में कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? तो टॉर्च में अवतल दर्पण काम में लिया जाता है। 1 kWh बराबर कितना जूल होता है? तो इसका आंसर होगा 3.6 × 10⁶ जूल। प्रतिरोध की यूनिट ज्ञात करें, प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है। उसके बाद क्वेश्चन है, फंक्शनल ट्रांसफार्मर किस युक्ति पर कार्य करता है? फंक्शनल ट्रांसफार्मर किस युक्ति पर कार्य करता है? तो फंक्शनल ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। फोकल लेंस में 1/f बराबर क्या होती है? तो फोकल लेंस में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है। ये दर्पण सूत्र है। पावर यूनिट, पावर यूनिट शक्ति का मात्रक क्या होता है? हिंदी में इसका अर्थ हुआ पावर का शक्ति। शक्ति का यूनिट क्या होता है? तो इसका होगा वाट। ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। कौन सी ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? इसका आंसर होगा या तो पोटासियम या तो सोडियम। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसे आप बेकिंग सोडा, सॉरी इसे आप धुअन सोडा भी कह, सॉरी इसको आप खाने का सोडा NaHCO3 को आप सोने का सोडा, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर से जल मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ब्लीचिंग पाउडर से जल मिलाने पर क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। तो बहुत ही हल्का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद करंट है, करप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो करप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 81वां था। हैप्पीनेस इंडेक्स 2017 में भारत का स्थान कितना था? इसका आंसर होगा 133। इलाहाबाद बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा उषा अनंत सुब्रमण्यम। कोलकाता नाइट राइडर्स किसकी टीम है? ये जो टीम है शाहरुख खान की है, इसमें जूही चावला, जय मेहता और रेड चिली, ये तीनों भी इसके शहर में है। अगर इसमें से कोई ऑप्शन है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। भारत ओलंपिक का अध्यक्ष, भारत ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थे? तो कॉमनवेल्थ गेम में भारत की ओर से ध्वजवाहक PV सिंधु थे। और कॉमनवेल्थ गेम में PV सिंधु और ओलंपिक में गगन नारंग थे। जुपिटर बृहस्पति के नए खोजे गए उपग्रह, तो 12 नए उपग्रह जुपिटर के यानी कि बृहस्पति के खोजे गए हैं और कुल मिलाकर 79 उपग्रह हो गए हैं। एग्जाम वॉरियर पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर मोदी जी के द्वारा लिखी गई थी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2018 का खिताब मेल सिंगल में किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेल सिंगल का 2018 का खिताब रोजर फेडरर ने जीता। पीएम का वित्त सलाहकार कौन है? तो पीएम का वित्त सलाहकार अजीत डोभाल है। T20 महिला वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? तो ये वेस्ट इंडीज ने जीता है। उसके बाद पूछा गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान वित्त मंत्री पीयूष गोयल है, जो कि रेल मंत्री भी हैं। वित्त मंत्री जो है अरुण जेटली, उसकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से इसका तत्काल प्रभार पीयूष गोयल जी के ऊपर दिया गया है। नोबेल साहित्य के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो काजियो इशिगुरो को नोबेल साहित्य का सम्मान दिया गया। सिंधु समझौता 1960 भारत और पाक के बीच हुआ था। जो जिला सुरंग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में जो जिला सुरंग है। कॉमनवेल्थ फर्स्ट मेडल किसने जीता था? तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद और क्वेश्चन था, HCl का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उत्तक क्या है? तो कोशिका से मिलकर उत्तक मिलता है। अमराज में HNO3 और HCl का अनुपात कितना है? तो
इसका आंसर हो जाएगा 1:3। लीवर में कौन सा विटामिन होता है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अर्थ वायर का रंग कौन सा होता है? तो अर्थ वायर वायर का रंग ग्रीन होता है, और फेज का लाल, और न्यूट्रल का काला होता है। NaCl का pH मान बताएं। आंसर हो जाएगा 7। कौन सी ग्रंथि उच्च रक्तचाप कंट्रोल करती है? इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल। DNA की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंसिस क्रिक। एक्सरे की खोज किसने की? इसका आंसर हो जाएगा रोंटजन। व्हाइट फास्फोरस का सूत्र क्या होगा? आंसर हो जाएगा P4। जिप्सम यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताएं। इसका आंसर हो जाएगा CaSO4 × ½ H2O। वर्तमान में पाकिस्तान के PM किस पार्टी से हैं? तो ये जो है इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान PTI इसी पार्टी के हैं। 28 डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन में मान बताएं। तो इसको आप केल्विन में बदल देंगे, इसका आंसर होगा 301 केल्विन। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा क्या बनाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। यदि R को दुगुना किया जाए तो विभवांतर में क्या फर्क पड़ेगा? तो ये जो है V=IR ओम का नियम, इसी पे क्वेश्चन था। इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना। चिकन पॉक्स का वायरस का नाम बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉस्टर, वेरिसेला जॉस्टर। ब्लड का चौथा अवस्था क्या होता है? तो खून की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। विद्युत धारा की दिशा से संबंधित प्रश्न एक था जो कि याद नहीं है। उसके बाद राव का चीफ पूछा गया था जो कि है अनिल धस्माना। उसके बाद गोवर्धन योजना किस स्टेट में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। उसके बाद पूछा गया बंगाल विभाजन की दिनांक, तो 19 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। किस pH मान से नीचे दांत कटना शुरू हो जाता है? तो 5.5 pH से नीचे जाने पर दांत गिरना या कटना शुरू हो जाता है। प्रथम भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो अमर सेन थे। इसे 1998 में नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये एशिया में किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले पहले आदमी थे जिसे कि नोबल के क्षेत्र में, जिसे कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल प्राप्त हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है किशन शेखर राव है। उसके बाद 2022 में राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? तो इसका आंसर होगा मेघालय। उसके बाद सिक्किम का राज्यपाल श्रीनिवास पाटिल। सनराइजर्स हैदराबाद टीम का मालिक कलानिधि मारन। चींटियों के डंग में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल। क्वांटिको हॉलीवुड सीरीज में कौन काम करने वाली अभिनेत्री? तो क्वांटिको में प्रियंका चोपड़ा काम कर रही है। ऑक्सीनोमीटर किस काम आता है? तो पौधे की लंबाई नापने के लिए ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। AGI अटर्नी जनरल कौन है? तो भारत के अटर्नी जनरल जो है KK वेणुगोपाल जी हैं। भारत के CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे आप मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं, यह दीपक मिश्रा है। साइकिल के टायर फटने का कारण पूछा गया था, तो इसका आंसर होगा गर्मी के कारण दाब बढ़ जाता है जिससे कि टायर फट जाता है। उसके बाद फिर पूछा गया R को दोगुना किया जाए तो विभवांतर में क्या फर्क पड़ेगा? तो विभवांतर दोगुना हो जाएगा। तस्वीर का आकार बड़ा करने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल। उसके बाद पूछा गया दिसंबर 2018 में बुधवार कितने होंगे? तो दिसंबर 2018 में 4 बुधवार होंगे। 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। उसके बाद पूछा गया अवतल दर्पण की बाहरी त्रिज्या का मान 20 है तो फोकस दूरी कितनी होगी? तो ये 10 होगी। पीरपंचाल कहाँ है? तो पीरपंचाल जम्मू कश्मीर में है। लैंगिक और अलैंगिक में भिन्नता, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया वह पौधे जिसमें पत्तियां और फूल नहीं होते, इसका आंसर हो जाएगा जीरोफाइट, जो कि रेगिस्तानों में उगते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल के बारे में पूछा गया जो कि है बनवारीलाल पुरोहित। ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये कुछ नरेंद्र बत्रा करके कुछ ऐसे था जो इसका आंसर होगा। करप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान 81 है। हैप्पीनेस भारत, भारत की खुशहाली रैंकिंग कितनी है? यह हो जाएगी 133। बृहस्पति के उपग्रह के बारे में पूछा गया, तो नया 12 उपग्रह की खोज की गई है, जिसको बाद कुल मिलाकर 79 उपग्रह हो गए हैं। एग्जाम वॉरियर पुस्तक जो कि चाइल्ड स्ट्रेस को कम करने के लिए PM मोदी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया एक वर्ग बनाया हुआ था, उसमें 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, तो उसका आंसर हो जाएगा 14।
एक क्वेश्चन पूछा गया 23:72 38:38 क्या होगा, ऐसे करके कुछ पूछा गया। उसके बाद पूछा गया कौन सा तत्व केरोसिन में रखा जाता है, तो सोडियम और पोटासियम को केरोसिन में रखा जाता है। उसके बाद पूछा गया यदि कोई धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो उनमें से क्या बनता है, हाइड्रोजन प्लस नमक या नाइट्रोजन प्लस पानी, और ऐसे ऐसे करके कुछ ऑप्शन था। एक और क्वेश्चन पूछा गया है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 100 किलोमीटर लंबाई के एक पुल को 10 सेकंड में पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया स्क्वायर रूट अंडर रूट 64008 का कितना होगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया सेक 4a बराबर कौशक ए माइनस 20 डिग्री, तो ए का मान कितना होगा। उसके बाद पूछा गया एक्स स्क्वायर बराबर 49 है तो 2x+7 का मान कितना होगा। उसके बाद कॉट 4a+cot² a बराबर 3 है तो इसका मान निकालें, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आया था। उसके बाद आया क्वेश्चन बहुलक माध्य निकालने के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था मैथ में 2 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत होता है, और फिर एक माध्य का आया, ऐसे करके कुल मिलाकर 122 क्वेश्चन जो है जो कि मेमोरी के बेसिस पर मैंने आपको बताया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाल बटन दबाकर, और उसके बगल में जो बेल आइकन आएगी उसको क्लिक कीजिएगा मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो ये जो थी ये 9 अगस्त 2018 की रेलवे ALP की परीक्षा की एनालिसिस थी। हम अगले वीडियो को भी ज़रूर डालेंगे 10 तारीख के भी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।